विक्रय पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बालाघाट जिले के खैलांजी विकासखंड के ग्राम पंचायत झीरिया में बारिश नहीं होने से किसान परेशान है। नहरों में पानी नहीं डल रहा है, प्रशासन दिखावा साबित हो रही है। राजीव सागर बांध से जुड़े नहर विकास की बाढ़ चोरा है। झारिया टोला आजादी के बाद से आज तक किसानों के खेत में बिजली नहीं है। गांव की सड़क में आज भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। लाइट नहीं होने से बहुत सी दुर्घटनाएं हो गई। सरपंच ने गांव में दिखावे के स्टाप डैम बनवाए हैं, इसमें आज तक पानी नहीं आया। नेताओं की निष्क्रियता से आज गांव के लोग गरीबी में जी रहे हैं। सिर्फ चुनाव के समय नेता गांव पहुंचते हैं। झारिया टोला से महज 3 किलोमीटर पर पूर्व सांसद और विधायक का निवास है। खेती नहीं होने से गरीबी और भुखमरी का जीवन बिताने पर गांव के किसान मजबूर हैं। क्षेत्र के विधायक श्री तामलाल सिहारे कब सुध लेंगे? जन आंदोलन की राह पर है किसान, विकास नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया किसानों ने। गांव के सभी विकास भाइयों मीडिया को बताना चाहते हैं कि ग्राम झारिया बालाघाट जिले के पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत बोध सिंह भगत जी के गांव से मात्र 3 किलोमीटर है, जो कि कटनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तामलाल जी सहारे के क्षेत्र में आता है। बालाघाट जिले में बहुत से दिग्गज नेता में गौरी शंकर जी बिसेन, जो प्रदेश सरकार में कैबिनेट कृषि मंत्री रह चुके हैं, केडी देशमुख जी क्षेत्र के विधायक और सांसद रह चुके हैं, और जिले में कितने भाजपा कांग्रेस के विधायक सांसद रह चुके हैं, जो कि चुनाव में किसान हितैषी और विकास नाम का लॉलीपॉप देकर राजनीति चमकाने का काम किया करते हैं। और सोचने की बात है, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विगत 4 माह से कोरोना और सोचने की बात है प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विगत 4 माह से कोरोना और चीन दिखा रहे हैं। अमिताभ ने क्या खाया पिया ये सब बताया, पर देश के अन्नदाता किसानों की समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और देश के प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दुगुनी करने की बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि सड़क, बिजली, पानी, फसल की लागत, मेहनत का उचित दाम जब तक नहीं मिले, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती। आशा है कि सभी विधायक, सांसद, मीडिया के पत्रकार भाई किसानों के हित में जरूर कदम उठाएं और उस क्षेत्र में जाकर देखें। यही आपकी सच्ची समाज सेवा होगी।